हाय गाइज, वेलकम बैक टू AS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एरर पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। हम देखेंगे इसे। पहला है, यू आर क्वाइट साइनेंशियल वेन, ठीक है, ए पार्ट में यू से दैट द रीजन वाई वी हैव सच लार्ज टर्न आउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट। आप एक चीज़ देखिए, आपको जैसा कि मैंने रूल में बताया है वैसा करना है, ठीक है। आप समझिए, बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको रीजन दिया हुआ है, ठीक है, तो रीजन के साथ भाई यूज होता है, बिकाउज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बिकाउज दिया गया है, तो यहाँ पर ये भाई भी दिया है, तो रीजन के साथ भाई लगता है, अच्छी बात है, लेकिन बिकाउज यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें जो एरर है वह हमारे पार्ट सी में है, ए पार्ट, बी पार्ट, और ये आपका हो गया सी पार्ट, ठीक है। ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो इसमें जो एरर है सी में है, क्योंकि जैसे मैंने रूल बताया था आपको कि भाई के बाद बिकाउज का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, तो यहाँ बिकाउज का प्रयोग कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये यह गलत हो गया है। अगला है द स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको हार्डली और स्कर्ली का रूल बताया था, ठीक है। तो हार्डली और स्कर्ली में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर आया है वह एरर है बी पार्ट में, इसमें हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब देखेंगे अगला। देखिए अगला, द पीरियड बिटवीन 1998, ठीक है, 1990, सॉरी यहाँ पर 1980 होगा, ठीक है, जीरो इसमें गायब है, 99 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इज माई लाइफ, नो एरर, ठीक है। ये आपका ए पार्ट, बी पार्ट, और ये आपका रहा सी पार्ट, और ये आपका है डी पार्ट, और है ये पार्ट। अब एरर देखना है और सोचो आप लोग, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं तो आप लोग ज़रूर बता देंगे कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितनी भी इंग्लिश की वीडियो और भी देख लें, ऐसे ही आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो समझिएगा, इसमें जब भी मैंने बताया था बिटवीन या बोथ कहीं मिल जाए आपको, तो इसमें इनके साथ एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन के बाद देखो टू दिया गया है, तो टू हमको नहीं लगाना है, यहाँ एंड लिखना है। द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 19 होगा, ठीक है, सॉरी 90 होगा, वाज वेरी सिग्निफिकेंट इज माई लाइफ, तब ये सही होगा। तो यहाँ पर टू ना करके हमको एंड यूज करना होगा। अगला देखिएगा है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड, ठीक है, ए पार्ट हो गया ये। अगला है बी पार्ट, व्हेन इट बिगेन टू रन, आगे नो एयर, सी ये हो गया आपका बी पार्ट, ये हो गया सी और ये डी पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि आपका एरर कहाँ पे है। एक बात देखिएगा, सोचो, नहीं रूल पढ़े आप लोगों ने तो ज़रूर पढ़े हैं, ठीक है। देखो, नो सूनर जब भी हो तो इसमें याद रखें, नो सूनर के साथ हमने बताया है कि दे का यूज करते हैं, ठीक है, टी एच ए एन वाले का, और आपको वहाँ दे देगा टी एच ई एन वाला, तो भी गलत हो जाएगा, जैसा कि नीचे मैंने दिया है, आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है वह आपका देन यूज होगा, ठीक है। तो इसमें जो एरर बना हुआ है ये रहा आपका।
पार्ट बी में, ठीक है। वैन का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत हो गया है। अगला देखिएगा, अगला है नो सूनर, ठीक है, हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन नोवेयर। देखिएगा, आपको जस्ट अभी मैंने बताया है, जब भी आपको नो सूनर मिले तो इसके साथ आपको टी एच ए एन यूज करना है, टी एच ई एन नहीं है, ठीक है, और ना ही तो आपको बहन यूज करना है इसमें, ठीक। ये तीन एरर देखिएगा, इसमें एक ये भी एरर मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा एरर, ठीक है, ये भी। और एक बात याद रखिए कि नो सूनर के साथ नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा ही एग्जांपल समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो एरर है वो आपका बी पार्ट में टी एच ई एन लिखा है, इसलिए ये गलत है, यहाँ पर सही होगा टी एच ई एन यानी देन, ये आपका एरर पार्ट बी में है। आगे समझिएगा, लिखा है आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर, नो एरर, ठीक है। यहाँ पर इसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों ने टेंस पढ़े हैं तो, ठीक है, आपका टेंस का भी पार्ट करा दूंगा किसी दिन। तो देखिएगा, ये लिखा है आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है। और आपको पता हो कि बिफोर एंड आफ्टर आ जाए, जब कभी बिफोर या आफ्टर आता तो उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वह आपका पास्ट टेंस में होता है या नहीं होता, बताओ, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जो पास्ट टेंस में आप बनाओगे तो यहाँ पर आपको लगाना होगा नाइदर, ठीक है, नाइदर के बाद आ जाएगा आपका हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो जो बिफोर या आफ्टर का होता है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट पास्ट में टेंस बनाते हैं, ठीक है। अब पास्ट में ये पास्ट परफेक्ट बना देंगे हम, पास्ट परफेक्ट में हैज लगा देंगे, हैज माई सिस्टर, ठीक है। तो इसमें जो आपका एरर होगा भाई, आपका हो जाएगा जाके बी पार्ट में, ठीक है, आपका एरर बी पार्ट में सी, चलो एक और सी पार्ट में मान लो, ठीक है, यहाँ पर सी मान लो, हमने एक और पढ़ा दी एक लाइन, तो सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा कि आपको नाइदर के बाद हैज यूज करना हैज माई सिस्टर, तब आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है हार्डली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्डली या स्कर्ली के बाद, ठीक है, बहन का प्रयोग होता है, ठीक है, देन का यूज नहीं होता है, ऐसा बताया आपको, जबकि तो आपको यहाँ पर देन दिख रहा है, तो आपका बी पार्ट में एरर बन जाएगा, देखो ये देन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको यूज करना होगा बहन, डब्ल्यू एच ई एन, बहन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, इसमें एरर देखो कहाँ पर है, आप लोग समझिएगा और बताइएगा, ठीक है। ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी और डी पार्ट है, ठीक है, आगे नो एरर जो कि ई पार्ट हो जाएगा। चलो ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ रहे होंगे। तो देखिएगा इसमें एरर कहाँ पर है, जब भी मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर पार्ट टू देखा है तो पार्ट टू या वन में होगा, आप दोनों देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने बताया था, देखो अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, तो इनके बाद हम नेवर, नो, नॉट, मतलब नेगेटिव चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं, ये पहले से ही नकारात्मक हैं अनलेस, ठीक है, और अनटिल, ठीक, ये क्या नकारात्मक हैं। तो यहाँ पर मुझे जो पार्ट ए में नॉट आ रहा है, तो ये नॉट यूज इसमें नहीं करना है। आगे देखिएगा, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल, नो एरर। तो इसमें देखना है आपको कि इसमें आपका एरर कहाँ पर है। देखिएगा पार्ट ए में आई हैव फाउंड दैट ही इज, बिल्कुल सही है, नाइदर विलिंग और, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नाइदर के साथ नॉर यूज करते हैं और आइदर के साथ और यूज करते हैं। अगर नहीं देखा है तो पार्ट वन आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मैंने जरूर समझाया एग्जाम्पल कई सारे। तो यहाँ पर और नहीं बल्कि नॉर यूज करना होगा, एन ओ आर, ठीक है, अब आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ब्रेड एंड वाटर इज ऑल बी बॉन्ड, ठीक है,
ब्रेड एंड वाटर इज ऑल। एक बात, जब मैंने रूल पढ़ाए तो वहाँ पे पता था ऑल के साथ हमेशा हम दैट यूज करते हैं, ठीक है, ऑल दैट ऑफ यू, ऐसे जो भी हम बोलते हैं स्पीच उसमें बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऑल के बाद हमको दैट यूज करना है, तो आपका हो जाएगा ऑल दैट वी वॉन्ट, ठीक है, जो कि आप लोग चाहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग चाहते हैं, ठीक है क्या। ब्रेड एंड वाटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट, रोटी और दही यानी मक्खन हम सभी लोग चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो इसमें एरर है वह पार्ट सी में एरर है, ठीक है, यहाँ पर आपको दैट यूज कर दो तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन ही स्टूडेंट स्टूड अप, नो एरर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा नो सूनर के बाद क्या होता है, मैंने रूल में बताया और वहाँ एग्जाम्पल भी कराए हैं, तो एक बार आप सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, देखिएगा क्या होगा इसमें। देखो जब भी नो सूनर आ जाए, ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ देन दिया, तो ये तो बिल्कुल सही है, आप सोच रहे हैं कि नो सूनर साथ देन यूज करते हैं तो यहाँ पे टी एच ई एन होना चाहिए था तभी एरर बनेगा, नहीं ये एरर नहीं हो सकता बेटा, एरर और भी हो सकती है। तो एरर देखिए इसमें क्या है, एरर इसमें यह है कि नो सूनर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वह आपकी द टीचर के अनुसार होगी, तो आपका हो जाएगा नो सूनर द टीचर इज एंटर द क्लास देन ही स्टूडेंट्स अप, ठीक है, नो एरर, तो आपका भी सही होगा, द टीचर के बाद इज लगा दें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आगे देखना आपकी वर्ब है तो ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म में दी है, ठीक है, अगर एंटर्ड होता तो यहाँ पर हमको, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है, ठीक है, अगर एंटरिंग होता तो भी बाज यूज कर देते, पास्ट में करते तो, ठीक है, तो इसी प्रकार से मुझे इज लगाना है, तो आपका भी यह सही हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिफ्रेंट इन द लॉन्ग रन नो एरर। अब इसमें समझिएगा क्या है, मैंने आपको बताया रूल में कि जब भी आपको लेस्ट दिखे कहीं भी, ठीक है, तो लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड यूज किया जाता है, ठीक है, ये कई बार मैंने आपको बताया है, तो हो जाएगा यहाँ पर पार्ट बी में एरर, और पार्ट बी में ये मे हट जाएगा, मे की जगह आपको शुड यूज कर देना होगा, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा एरर। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया करें कमेंट जरूर करें, और आपको फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारतीय सेना।